दिल्ली शराब नीति को लेकर कई शहरों में ईडी की रेड। पंचकुला सेक्टर 8 में भी ईडी की रेड जारी। पंचकुला सेक्टर 8 में पंजाब सरकार के ज्वाइंट कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्टेशन डिपार्टमेंट नरेश दुबे के आवास पर चल रही है ईडी की रेड। अर्थ प्रकाश से उमंग शिरोड। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी यानी दिल्ली शराब घोटाले को लेकर लगातार जहां भाजपा केजरीवाल सरकार पर हमलावर है, वहीं आपको बता दें कि आज ईडी की बड़ी कार्रवाई पूरे देश में की गई है। पंचकुला, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली सहित 30 से अधिक ठिकानों पर ईडी द्वारा ये रेड की गई है। इस वक्त हम पंचकुला के सेक्टर 8 में एक आवास के बाहर है जो कि पंजाब सरकार के एक बड़े अधिकारी का है। ये अधिकारी है नरेश दुबे, जो पंजाब सरकार में एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के जॉइंट कमिश्नर है। आपको बता दें कि भाजपा लगातार केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाती रही कि शराब घोटाले के जरिए शराब व्यवसायियों को बड़ा फायदा जो है दिल्ली सरकार ने पहुंचाया है, जिसका बड़ा राजस्व घाटा जो सरकार को झेलना पड़ा है, और कहीं ना कहीं शराब घोटाले से जो ऐसा है उसको कहीं ना कहीं सरकार ने जो है पंजाब में चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार ने खर्च किया है। लेकिन अब इस मामले में जिस तरीके से आज रेड हुई है, इसके तार कहीं ना कहीं जुड़ते नजर आ रहे हैं। 30 से अधिक ठिकानों पर ये ईडी की रेड है। करीब 7 से 8 सदस्यों की टीम इस आवास में सुबह 8 बजे से मौजूद है। लगातार कई घंटों से रेड जारी है। आपको बता दें, वही शराब नीति है जो नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार लेकर आई थी, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे कि ये जो नीति है इससे ना केवल एक आम आदमी को कम कीमतों पर शराब मुहैया हो सकेगी, बल्कि एक अच्छी क्वालिटी की ब्रांडेड शराब वो ले सकेगा और सम्मान वितरण शराब का हो सकेगा। इससे पहले, इस नीति के आने से पहले, दिल्ली सरकार जो है उनकी सरकारी दुकानें होती थी, निर्धारित जगह होती थी जहां पर शराब बेची जाती थी। लेकिन इस नीति के आने के बाद निजी जो शराब व्यवसायी हैं और दुकानदार हैं, उन्हें भी अधिकार दिए गए थे कि वो शराब बेच सकें, जिसका दावा सरकार ने यह किया था कि इससे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो कीमतें कम होगी और ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड यानी लोकल और विदेशी शराब जो है एक ही छत के नीचे समान रूप से वितरित हो सकेंगी, जिससे लोगों को अच्छी शराब पीने का और सस्ती शराब पीने का जो है फायदा पहुंचेगा। लेकिन बाद में दुकानें बंद हो गई थी। आपको बता दें, हाल ही में सीबीआई द्वारा बड़ी रेड जो है, बड़ी कार्रवाई कुछ दिनों पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर की गई थी। इस मामले में सीबीआई में केस भी दर्ज है, जिसमें बड़े शराब व्यवसायी जो है दिल्ली के, उनका भी नाम शामिल है। वहां भी आज रेड की गई है। आज की जो रेड है, जो पूरे देश में एक साथ की गई है 30 से अधिक ठिकानों पर, इसमें कई बड़े जो है शराब व्यवसायी शामिल है, कई बड़े अधिकारी शामिल है। फिलहाल भी ये रेड जारी है। आपको बता दें, शराब नीति को लेकर लगातार जो है भाजपा पंजाब चुनाव से जोड़ते हुए दिल्ली सरकार पर हमलावर है और कई संगीन गंभीर आरोप जो है दिल्ली सरकार पर लगाती रही है। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षत। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।